नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आईएएस ट्रेनी पूजा खेड़कर का। जी हाँ, पूजा खेड़कर का मुसीबतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी पोल भी खुलती जा रही है। किस कैटेगरी से उन्होंने अपना आईएएस की परीक्षा पास की, कैसे उनका अपॉइंट हुआ, और इसको लेकर काफ़ी जो है अलग अलग जो है थ्योरी सामने आ रहे हैं, और उसमें पूजा जो है पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रही है। जिस तरह से दिखाया गया है कि मेडिकल में उनको आँख से कम दिखाई दे रहा है, और भी कैटेगरी में जो उनकी है उसमें जो है सर्टिफिकेट जो है उसमें कुछ अलग दिख रहे हैं। तो कुल मिला के क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर में पूजा खेड़कर का क्या होगा। क्या वो सही में सस्पेंड होकर पूरी तरह से निलंबित हो जाएंगी, या कुछ और होगा इसमें सेटिंग भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें सेटिंग में हो जाती है सर। तो हमने पिछली वीडियो में भी उनके नाम पर किया था कि जिसने अपॉइंट किया, जिसने उसमें परीक्षा लिया, जिसने हाँ जिसने सब दिया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो इसमें सर एक फ़ोन भी आया था मेरे को उसके बैचमेट का। अरे बाप रे, बैचमेट के करीबी का फ़ोन आया था कि उसने आईएएस बनने, उसके पैसे बहुत है, उसको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, पैसे के लिए उसे नहीं बननी है, उसको प्रतिभा और इसके लिए जो है आईएएस बनी, उसके 100 करोड़ रुपये खर्चा किए आईएएस बनने के लिए। अरे बाप रे, अगर ऐसी बात है उसकी जांच होनी चाहिए, जहाँ जहाँ से वो पास हुई है। सीधी सी बात है, कितने बड़ा गोल्ड प्लेस फोर्ट है। 100 करोड़ खर्चा किया आईएएस होने के लिए, मतलब 100 करोड़ में आईएएस हो सकते हैं। बाप रे, सोच लो सर। बाप रे, तो सीधी सी बात है सर, अभी जो जांच पड़ताल हुई है, अभी तो एक एक चीज की जांच होगी, कौन उसने एग्जाम लिया, कौन उसने सर्टिफिकेट दिया, कौन उसको ये किया, हर एक की जांच होनी चाहिए। और अगर इसमें किस जो जो भी अटकते हैं तो उनसे पूजा से ज़्यादा कार्रवाई उसके ऊपर होना चाहिए जिसने ये सब कामें करते हैं, क्योंकि खाली अकेली पूजा को साथ में नहीं हुआ रहेगा। इसने न जाने कितने लोगों को इस तरह का SIPS बने होंगे, और इस देश का सर बहुत सर्वनाश चीज़ अगर ऐसी बात है कि एक तरह से नीट का घोटाला एक तरह से देख रहे हैं कि नीट के घोटाले के लिए क्या क्या हो रहा है, कितने करोड़ों के इसमें दाव लग रहे हैं। तो ये तरह से जो दीमक लगा हुआ है, इसकी सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। एक तो पूजा खेड़कर तो मोरा है, लेकिन ऐसे नहीं जाने कितने पूजा खेड़कर जो है इस समय आईएएस आईपीएस के जॉब पे होंगे। पूजा खेड़कर के पीछे सब लोग क्यों पड़े ऐसा लगता है? शुरुआत ये हुई कि उसने गाड़ी जो है ट्रेनिंग दी, उसको लाल बत्ती अलाउड नहीं है, उसने अपनी ऑडी कार में लाल बत्ती लगा के वो एक दूसरे का ऑफिस को कैप्चर करने की कोशिश की, उसमें वो अटक गई। यानी कि मगर वो लाल दीवार नहीं लगाती, हाँ तो ये सब आता नहीं था, ये सब भी नहीं आता। दूसरी बात कैसा है कि दूसरी चीज़ और है कि आप जो है एक तो गरीब कोटे से आपने आईएएस बनी। नहीं नहीं, मगर वो भी नहीं आता था। हाँ, खाली उसने ऑडी के ऊपर एक लाल लाइट लगाया, उसकी वजह से जेलसी लगी उनके ऑफिसर लोगों को कि भाई हम नहीं लगा सकते कानून से, और इसने लाल लाइट लगा दिया, इसलिए उन्होंने तकरार की। बिल्कुल, मतलब एक ऑडी का छोटा सा लाइट कितना भारी पड़ गया, उसको भारी पड़ गया। मगर सर इसमें आप देखेंगे तो आजकल कई पुलिस वाले और आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं मालूम है, उनको ऊपर लगाने को मना है ना, आगे तो डैशबोर्ड पे रखते हैं और बंद करके रखते हैं। हाँ, कि लोगों को मैसेज जाए कि ये है, हाँ, ऑफिसर है, ऑफिसर है, और लाल दीवे वाला भी है, येलो वाला है, अभी येलो है, येलो गवर्नमेंट ऑफिसर। हाँ, मगर वो चालू नहीं करते ताकि कानून का भी पालन हो, सिर्फ पुलिस का पार्टी रखते हैं। हाँ, और लोगों को बोलते पत्रकार नहीं लिखने का। हाँ, पुलिस का पार्टी तो आपने 100 गाड़ियों में आर्मी लिख के रखते हैं, प्राइवेट गाड़ी पर तो अलाउड ही नहीं कुछ भी लिखना सर। हाँ, वो तो उसके ऊपर भी पुलिस का ये लिखा रहता है और आर्मी लिखा रहता है। कितने मिनिस्टर के जितने बच्चे हैं जो हाँ, वो सब एम जाते हैं, आगे लाल बत्ती रख के कहाँ कहाँ जाते हैं। हाँ, और एम लिखते ना गाड़ी के ऊपर। अरे एक एक मंत्री की 10 गाड़ियां एम लिखते, सब पे एम लिखा हुआ है। अब विधानसभा का वो लगा हुआ है लोगो। हाँ, है ना, क्योंकि एक को पहला गुम हो गया करके दूसरा ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं, फिर कलर जेरोक्स मारते हैं सर। और मंत्री का पुत्र है, उसको कौन पूछेगा, ऐसा होता है। तो ये इसने जो किया, कोई ऐसा एकदम ये नहीं किया, गलती किया उसने कि बाहर रखा जी, अंदर रखना चाहिए, बका दे जैसे आईएएस घूमते हैं। हाँ, उस तरह का लगा उसका ओवर स्मार्टनेस जी जी। फिर इसमें और इसीलिए तो बनी थी ना वो सर, उसे शुरुआत से ही शुरू कर दी, ट्रेनिंग में नहीं रखना चाहिए। तेरे को आईएएस बनना था तो आईएएस बन गई ना, तो अपने सबर करना चाहिए। ऑफिस नहीं, ट्रेनिंग के बाद भी उसको लगाने को अलाउड नहीं था। अच्छा, हाँ, ट्रेनिंग के बाद भी कलेक्टर भी लगा के नहीं घूमता है, वो सामने रखता है ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो सर इनको तो अभी एक आइडिया, सरकार भी कितनी होशियार है, देखो मंत्री कितने होशियार है, मंत्रियों के स्टाफ जो है वो ऊपर अंबर नहीं लगा सकते हैं, पहले अंबर लगा के बिंदास घूमते थे,
दस साल पहले तक। अभी वो क्या करते हैं मालूम है, वो जो उनका फ्रंट का ये जो बॉनेट के नीचे रहता है ना, उसमें कलर लाइट लगाते हैं और इंडिकेट करते हैं कि ये गाड़ी मिनिस्टर की है, क्योंकि उस प्रकार की सभी गाड़ियां मिनिस्टर की पीए की है या आते हुए कहेंगे। या तो ऊपर क्या करते हैं, ऊपर ऐसा एक दबा हुआ लाइट का लाइन लगा देते हैं। दूसरा क्या हो रहा है सर, एक चुंबक वाला लाइट आता है, अब जब चाहो रख दो, जब चाहो निकाल के जो है नीचे रख दो, वो भी आता, वो भी आ गया है चुंबक वाला लाइट, लाल बत्ती और सायरन लगाते हैं, सायरन लगाते हैं, सायरन तो सबके है सर। वो हमारे गणेश नाइक तो मंत्री नहीं थे, आमदार भी नहीं थे, मगर उनके सभी गाड़ियों में सायरन थे और जब भी भीड़ होती थी सायरन बजाते थे, लोग बोलते थे कौन है गणेश नाइक, अच्छा अच्छा, उनको मालूम भी नहीं था ये मंत्री है क्या नहीं है, मगर फिर भी चलते, उनके गाड़ियों में हमेशा सायरन भी अलाउड नहीं है। जी 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 बिल्कुल, अलाउड तो बहुत कुछ अलाउड सीएम को ही है खाली। लेकिन मोदी जी आने आते ही उन्होंने कहा था कि हम लाल बत्ती का जो प्रथा बंद करेंगे, और बहुत से लोग नहीं लगाते हैं सर आज भी जो है, नहीं लगाते, अलग अलग स्टेट में देखिए मुख्यमंत्री तक जो है लाल दीवा नहीं लगाते और पालन करते हैं। मगर सर मेरा कहना है कि मंत्री को लाल लाइट का सुविधा देना चाहिए जी। हजारों गाड़ियों में से जैसे एम्बुलेंस को आपने अलाउड रखा है, एम्बुलेंस फास्ट जाती है क्योंकि उसका वो लाल लाइट है, जहाँ जाऊँ उसकी वजह से एम्बुलेंस बहुत जरूरी है सर। साइड सर मिनिस्टर भी एक आम आदमी नहीं है, वो जब मंत्रालय एक आधा घंटा पहले पहुंचता है तो कम से कम 10 फाइलें निकलती हैं, वो एक घंटा पहले पहुंचता है तो 20 फाइलें निकलती हैं। आप उसको भगदड़ में बंदी कर बना के रखेंगे तो सरकार का ही नुकसान है, उनको जाने देना चाहिए, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी और एक बात है सर, ये जेलसी आदमी को कहाँ तक ये करती है, वो तो टीवी पे जा रहा था थी ना, मेरे कपड़े से उसके कपड़े उजले क्यों, ये उनके आईएएस वाले दूसरे लोगों ने किया है। अभी सर वो ये मामले से निकल के आएगी, मैं बोलता हूँ आपको, चैलेंज लेके, पैसा लेके नहीं, चैलेंज से। अभी देखिए ना सर, उसके पिताजी ने जो है क्या नाम है ये दिलीप खेड़कर, वो लोकसभा चुनाव में दिखाया, 40 करोड़ दिखाया है, वो सामने आ गया, प्लस उसकी माँ रिवॉल्वर दिखाई एक साल पहले किसी जमींदार को, उसके ऊपर गुना दाखिल हो गया, गुना दाखिल हो गया उसके ऊपर जो उस समय नहीं हुआ था, उस समय क्यों नहीं हुआ था, उस समय चर्चा में नहीं थी। और दूसरी बात सर आपको मालूम है क्या, रिवॉल्वर निकाल के दिखाना ये थाना डिस्ट्रिक्ट में और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आम बात है, सबके पास रिवॉल्वर है ऑफिशियल और अनऑफिशियल, जरा भी झगड़ा हो जाता है तो निकाल के दिखाते हैं, नहीं तो टेबल पे रखते हैं चर्चा के समय। आपने तो कई लोगों को देखा होगा, मैंने तो 100 लोगों को देखा है, ये कुछ नहीं। अब अरे बाला साहब ठाकरे रखते थे, उनको क्या निकाल के मारना था क्या किसी को, मगर उनको शौक था, कभी भी बाला साहब के सामने आप बैठेंगे तो टेबल पर ऐसा रिवॉल्वर, गणेश नहीं रखता था। सचिन वजे के पास में बिल्डिंग ले गया था, वो टेबल पर ऐसे मतलब पिस्टल रखा ही हुआ था, तो केबिन में क्या कर रहे होते पिस्टल, नहीं नहीं जरूरत क्या है उसकी, मगर वो दिखाना है। गणेश नाइक को तो इतना शौक था, ऐसा बीच बीच में निकालेगा दिखाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, साफ करेगा फिर रखेगा, क्या बोले अभी। और ये गोलियां झाड़ना वगैरह आम बात है, मेरे घर आए थे तो ऐसे ही खुश हो गया, हम तो मजा करते थे उस समय, बहुत प्रकार की मजा करते थे। अभी तो उन्होंने सर ऐसा ठाक 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 करके छोड़ गोलियां मेरे टेरेस से आकाश में छोड़ दी, तो आजू बाजू में आवाज गई तो लोग देखने लगे क्या हुआ, अनिल सत्य के घर में फायरिंग हो रही है ये होता रहता है, सभी बड़े लोगों को शौक है सर ये रिवॉल्वर दिखाने का वगैरह, ऐसा लगा के रखेंगे ना कि आधा शर्ट ऐसा करके रखेंगे ताकि वो रिवॉल्वर का डंडी दिखे, दिखना चाहिए, तो उसमें रिवॉल्वर बाजू वाले को दिखाया जा रहा तो नहीं, दिखना भी अलाउड नहीं है सर, तो दिखना भी अलाउड नहीं है, वो अलाउड है कि नहीं, 100-200 लोग दिखते हैं कि नहीं आपको रास्ते पे, पुलिस अधिकारी नहीं शाम नेता भी करना, कॉर्पोरेटर भी सर कॉर्पोरेशन में अलाउड है क्या, अंदर आते हैं और वो चड्डी ऐसा करके उसमें दिखाते हैं कि नहीं, उनको रॉ सर वो दागिना है, जैसे अभी एक एक किलो दस दो किलो दस दस किलो के दागिने पहनते हैं ना, वैसे रिवॉल्वर एक दागिना है सर, उसके लिए कृपा शंकर जी एक रिवॉल्वर लाइसेंस क्या करते थे, उनका तरीका था यहाँ पे रिजेक्ट करने का कमिश्नर ने, मंत्रालय से पास करने का, मंत्रालय से पास करने का सर, उस समय 25-50 एक रेट था कृपा का सर, कृपा जी सबसे ज्यादा श्रीमंत हुए वो रिवॉल्वर के लाइसेंस बेच बेच के हुए सच में जी, और उनके एजेंट तो थाना में कितने हैं आपको भी मालूम है उनमें से कुछ, वो करते थे वो, इसको इंस्ट्रक्शन ही होती थी कमिश्नर को, तुम रिजेक्ट करो ताकि हम यहाँ से दे देंगे, उन्होंने कुछ 1100 लोगों को ये दिए थे लाइसेंस।
ये सर कौम है, तो उसने रिवॉल्वर दिखाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है सर। देखो रिवॉल्वर दिखाया, काठी दिखाई, छड़ी दिखाई, ये सब एक ही है। अभी तलवार, तलवार को मनाई है हाँ, मगर हर एक इसमें लोग तलवार देते हैं फंक्शन, बड़े फंक्शन में, बड़े लोगों को फंक्शन में तलवार देते हैं आप, तलवार तो अलाउड नहीं है इस तरह से देना, और वो भी ऐसा निकाल के भै करते हैं, तो ये भी अलाउड नहीं है, उनके ऊपर खटला होना चाहिए। इसमें ऐसा है, होता नहीं सर, तलवार से केक काटते तो गुना दाखिल हो जाता है सर, वो सादे गुंडे पे होता है, मंत्री पे होता है, मंत्री केक काटता है तलवार से तो होता है क्या? नहीं होता है, उसको अलाउड है क्या? साधा कोई बच्चा या खैर ठीक है, हमारा जो विषय अलग हो जाता है। अभी सर ये खेड़ेकर के मामले में दो ऑडी कार जो है उसको जब्त हो गई, उसकी छूट जाएगी, कोर्ट में जाएगी तो छूट जाएगी। इतना बड़ा गुना क्या किया है? लेकिन सर इतना बड़ा क्या गुना है कि लाल लाइट लगाई? लेकिन ये बताइए सर, जिस ओबीसी कोटे से, जिस कैटेगरी से वो आईएएस की परीक्षा पास की है, अगर वो फेक होगा तो कैसे निकल आएगी? फेक होगा तो वो ओबीसी है ना, खेड़ेकर ओबीसी है, ओबीसी है ठीक है, लेकिन वो किस कैटेगरी में से उसने कोटे से ये लिया? ओबीसी से लिया है, ओबीसी से लिया, वो अलग बात है, वो क्रीमी लेयर का बात है आपका, क्रीमी लेयर का। सर इसमें ऐसा हो सकता है, आपको मालूम है, अभी शायद आ जाएगा, कभी कभी क्या करते हैं मालूम है कि बाप की प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है सर, नहीं अलग 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 दिखाते हैं, अभी इसका क्या दिखाया मुझे मालूम नहीं है, मगर कभी कभी अलग दे। सर मेरे पहचान में कितने लोग ऐसे हैं जो अमीर है, उन्होंने अपने बाइकों से बाकायदा घटस्फोट लिया है प्रॉपर्टी के कारण, दिखाने के लिए रहते साथ में, एक ही साथ में रहते हैं, कर कोई आएगा तो बोलते हैं ये घटस्फोट। अभी इसके इसके सर्टिफिकेट सच्चे के झूठे बोलो? सर्टिफिकेट दो पास हुए, दोनों अलग अलग है, दोनों में एक ही रिमार्क है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है और मेंटली डिस्टर्ब है, दोनों में है जी। अभी ये दोनों सर्टिफिकेट है कहाँ के? सिविल हॉस्पिटल के तो सिविल हॉस्पिटल सरकारी है कि नहीं? तो सरकारी दाखला भी आप मान्य नहीं करेंगे उसको, विकलांग और इससे मेंटली इसके कोटे से मिला है ना, अगर वो पैसे खर्चे करके आई है तब तो पकड़ा दिखाओ जाता पैसा है। पैसा दिखाओ किधर दिया है, लोग बोलते हैं ना सर, लोग बोलने से क्या है सर, मैं बोलता हूँ आपने पत्रकारिता का ये 10 करोड़ दे के दिया है तो क्या मतलब, क्या सच है क्या? उसको बाकायदा सिविल हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिले हैं दो, विजुअली इम्पेयर्ड और मेंटली डिस्टर्ब, तो हो गई ना वो, अभी एक नहीं दो 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 बार दो साल के अंदर एक ही सर्टिफिकेट इशू किया है, तो वो सर्टिफिकेट तो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट बोलेगा इसमें पैसा दिया है ऐसा, आप बोले पैसा क्या दिया है, सर्टिफिकेट है सरकार का है, सिविल सर्जन ने दिया होगा, ऑनलाइन थोड़ी दिया होगा वो तो भाई सर, मगर किस आधार पर बोल रहे कि वो सर्टिफिकेट है भाई, उसको कोर्ट ये दिया। कल आप मेडिकल सर्टिफिकेट लेते हैं सिविल हॉस्पिटल से तो क्या हर एक को यही बोलना है तुम्हें पैसा दे के लिए जाओ, विकलांग के लिए, हैंडीकॉप्ट के लिए, लाइसेंस के लिए जाके देखिए क्या हिसाब किताब चल रहा है, वो बात अलग है, वो बात अलग है, इसका सर्टिफिकेट जो है जी वो प्रूव करो कि पैसा दे के लिए है उसने, उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो छूटेगी। ऑडी का जो गुना है ना उसमें से तो अभी कोर्ट में जैसे ही वो अपील करेगी कोर्ट बोलेगा कि इसके लिए फाइन लगा, सर ऐसा करने के लिए फाइन है, असल में जब्त करने की प्रोविजन ही नहीं, पुलिस भी अभी मीडिया के दबाव में आ रही है, मैंने अगर कोई गलत ये किया तो मेरी गाड़ी जब्त नहीं होती है सर, मुझे फाइन लगता है, समझो मैंने कह लाल अंबर की लाइट लगाई तो मेरी गाड़ी जब्त नहीं होती है, मेरे को 1,000, 5,000, 10,000 दंड होता है फाइन, वो भर देंगे तो गाड़ी खड़ी आएगी। इसको जानबूझकर अभी एएस की एक लॉबी कोई काम कर रही है इसको फंसाने के लिए, अभी देखो सरकार की भी हिम्मत ये नहीं हुई कि उसको बर्तरफ करे, उन्होंने ट्रांसफर किया उसका, क्यों नहीं किया बर्तरफ? सरकार को मालूम है हम फंसेंगे कोर्ट में, इसके खिलाफ हम जाते जाते जो जो करेंगे इसको पूरी तरह से जाल में बुना के नहीं अगर ये किया तो कोर्ट का रिमार्क आ जाए कि आप विक्टिमाइजेशन करें। सर वो लड़के को तो विक्टिमाइजेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, जो पोर्शे कार का हुआ था बोले क्या कर रहे हो आप, बच्चे को मानसिक वेदना दे रहे हो, छोड़ो उसको और 300 पेज का 300 वर्ड का निबंध लिख के लो, उसे लिया सर जिसके बारे में पूरा दुनिया में हल्ला मचा रहा। अगर 6 महीने बात करता तो ऐसा कुछ नहीं होता क्या? 6 महीने ही बाकी था 18 साल होने में। हाँ नहीं ना सर, शादी के लिए लड़कियां भागने के लिए एक दिन वेट करती है ना,
मेरे पहचान में कितनी लड़कियां हैं कि वो बोली कि कल हम भाग रहा जा रहे, मैं बोला कल क्या मुहूर्त है, बोले नहीं कल मैं 18 साल की हो रहा हूं। ये भी मैंने देखा है सर। तो सर 18 साल मतलब 18 साल जी, वो अगर आगे होता। अभी दूसरा ये इसका शाह का हुआ है, मयूर शाह का, उसमें वो एडल्ट है, 23 साल का है, तो उसको ये ऐसा कोई निबंध लिखने के लिए बिठाया नहीं है और उसको भी अंदर रखा। अभी वो भी सर, सरकार भी है ना पैनिक में है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक और मीडिया के सामने क्या करे। सर 2 घंटे में छोड़ते हैं, टेम्पो ड्राइवर ने 10-10 लोग मारे। कल एक ये घुस गया सर, 13 प्रवासी और कुछ लोग, रोज सर 10-20-25-100-200 मर रहे। क्या कर रहे हैं आप, 2 घंटे में छोड़ रहे हैं उनको, पब्लिक ने नहीं मारा तो वो छूट गए। एक तो BMW था, ऊपर दारू पिया हुआ था, इसके लिए वो फंसी है। नहीं 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 सर, इसमें भी वो 2 घंटे में छूटने वाला है, कानून में प्रोविजन ही नहीं है आपके ज्यादा रखने की। शराब पिया है ना सर, उसमें तो है प्रोविजन। हाँ दिखाओ ना वो, कहाँ अभी लागू हो गया क्या? लागू है, लागू। सर सब ये जो स्टे में है अभी, मेरे ख्याल से कृषि कानून जैसे स्टे में है, वैसे ये भी स्टे में है। 3 जो कानून आए हैं डिक्लेयर किए उन्होंने कि 1 तारीख से लागू है, मगर उसको स्टे दिए, वेट किए, वो छोड़ो। मगर ये खेड़ेकर का विक्टिमाइजेशन जानबूझकर OIS लॉबी कर रही है और वो जेलसी से कर रही है कि इतना पैसा है इसके पास, और उसका पिताजी भी IAS में था, प्रमोटेड IAS से था, और इसका ससुर भी IAS है, तो आपस में दुश्मनी होती है। तो क्या मालूम इसके पीछे कोई और भी राज निकलेगा बाद में, मालूम नहीं। देखते हैं, देखते क्या। पर अभी तो प्रथम दर्शनी मुझे ऐसा लगता है कि इसको विक्टिमाइज किया जा रहा है जानबूझकर। मीडिया ट्रायल चल रही है उसकी, ये सबसे निकल आएगी, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी चंद्रपुर गढ़चिरौली ऐसी जगह हो जाएगी, और जाएगी वो वहाँ पे, और ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसकी, तो ऑफिशियली बाकायदा IAS बन के आएगी, और फिर बाद में सबका सूट ले लेगी वो। चलो ठीक है, चलो ठीक है। फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है पूजा खेड़कर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।